एटा के पत्रकार सुनील कुमार को बड़ी राहत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकार को दिलाई 2 लाख रुपए की अंतरिम राहत, फर्जी मुकदमे में पुलिस ने भेजा था जेल। मथुरा में चंदन की लकड़ी से बने रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे भगवान रंगनाथ, वृंदावन के दक्षिण शैली के मंदिर रंगनाथ मंदिर में हो रहा है 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 28 अप्रैल से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। मुजफ्फरनगर में शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया, इस घटना से व्यापारियों में भगदड़ मच गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। आज भी क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। वहीं मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है, मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो। पुष्कर धामी जी जो हैं बहुत शिष्टाचार का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और एक अच्छी परंपरा है कि आप जो है राजनीतिक सौहार्द इससे बनता है, वातावरण में मैसेज जाता है लोगों को कि नहीं, जो हमारे नेतागण है वो केवल राजनीति नहीं करते हैं बल्कि मिल बैठ करके राज्य के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए सोचती भी है, तो वो आए बहुत अच्छा। उत्तरकाशी में मुख्य सचिव एसएस संधु ने विकासखंड भटवाड़ी में ग्राम रैथल और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण किया है। पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। 29 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, 31 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। रितु खंडूड़ी बनी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष, राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूड़ी, कोटद्वार सीट से हैं विधायक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूड़ी को दी है बधाई। नई सरकार के गठन के साथ एक्शन में भाजपा विधायक, पुरोला से एमएलए दुर्गेश्वर लाल ने किया सरकारी अस्पताल का निरीक्षण, ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टरों पर सख्ती बरतने के निर्देश। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के बाद अब तक मंत्रियों के विभागों का नहीं हुआ है बंटवारा, 1 से 2 दिनों का और लग सकता है वक्त, केंद्रीय नेतृत्व से हामी के बाद ही होगा विभागों का अंतिम फैसला। योगी के दोबारा यूपी सीएम बनने पर पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। धामी ने ट्वीट कर कहा, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम छुएगा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे धामी।